अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ओपिनियन विद अली काजी में बलिकार आवा यासर अहमद एम को स्टूडियो में ज्वाइन करता सीनियर तजियाकार अली काजी साहब। वेलकम अली साहब। थैंक यू यासर। अली साहब, कल तकरीबन कोई 4 o'clock मीटिंग हली इन जी वी कोई समझ में गाल न पी थी, डिस्कशन छाती हले पे निकरंदा गालाइंदा पे न गालाइंदा निकता सब बिलावल साहब मौलाना फजल रहमान साहब अवी सब निकता गालायूं पो बुधायूं तो भाई एतरो एतरो 70% अमल थी वियो आ बस पहुंचने वाला है रिफॉर्म से माना दैट मींस महसूस थो अजा तीन कंसेंसस डेवलप न थो हाँ ढी अजा तीन कंसेंसस डेवलप थे नजर न तो अचे। पीटीआई चे थी इनके वोट ही न कहना पाँचा मूँ हो पीपुल्स पार्टी चे थी तो अस कदम पे हटाऊँ असा कॉन्स्टिट्यूशन आईनी अदालत का जो आईनी बेंच की मौलाना से मनूँ था पर मौलाना साहब जो चाहता तो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट में का रद्द बदल न थे खे वो सागे तरीके से जी जो खबरू हलन पे अजो के ढी में जो आईनी मसौदो अना भी बाकायदा पब्लिक के सामू ना आंदो है तो उनको इतफाक राय को एग्जैक्टली तो मौलाना साहब जो पा भी चवंदी तो जे यू आई जो मौकुफ़ है आईनी बेंच तो मौलाना साहब जो वाजे अची वो पर अज कुछ कुछ वाजे थो तो मौलाना साहब चीफ जस्टिस की मुकररी जो भी पुरानो ही तरीको रखे हामी हैं यानी जो सीनियर मोस्ट आयो थे तो मतलब वो टे जजन जहाँ नाला वींदा प्राइम मिनिस्टर एक नामजद कह वो गाल मौलाना साहब जाहरी तरह इन मल तीन न पाया एग्री कन बो जो मौलाना साहब एग्री न पाया कन अगेन इंतहाई तकरारी कॉन्ट्रोवर्शियल गाल हुई तो हाईकोर्ट के जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग उन भी मौलाना साहब एग्री न पाया कन टो मौलाना साहब शायद इन गाल भी गाल कड़ी हुई हाँ आईनी बेंच मौलाना साहब ये सब गाल कर चवन था हमारे मसवदे पे इतफाक कर लें तो ठीक ठीक बिस्मिल्लाह हलो हर को हाँ मौलाना साहब अगर नथो ठे तो इन्हें 4 or 5 मेंबर खपन कौमी असेंबली में नेशनल असेंबली कौमी सॉरी सेनेट में पंज तो सेनेट में खपन पंज होते खपन 4 हाँ अगर मौलाना साहब नथो ठे तो मतलब 12 12 यस तो अगर ही जी वठा थे पई मानन के बद बदा हद थी है शामूद कुरेशी जो पुट के उनकी नूह के झले वे हैं यस नूह तो बाजियाब थी वही है पुट अजा गायब है ज़ैन कुरेशी हाँ तवक्का कन था ज़ैन कुरेशी का आईनी उनके हक में वोट दियारींदा तो ये मजाक हों वो वेचारी अचन तो अचू था बी एन पी वाली तो गाल ये तो एतरा लोटा ठाण मुमकिन न रहो अगर मौलाना साहब की तजवीज़न वाली ही आईनी तरमीम थी यानी आईनी अदालत न ठही इन ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच में 5 or 7 members की आईनी बेंच ठही वही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुकर्र की जिन जजन के तो माना बड़ी खैर जड़ी गाल में कें एतराज न हों अगर चीफ जस्टिस की मुकर्री जो अख्तियार वजीर आजम नथा वन जी हले पो किस्सो उ हले तो खैर जड़ी गाल हाईकोर्ट के जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग नी थे ठीक है बाकी सुओ मोटो खत्म कर बाकी सुओ मोटो चीफ जस्टिस अख्तियार खसन की गाल थे पी या यो मिसाल चवन तो भाई हाँ आईंदा अदालती फैसला एतरे ढीन में मुकर थे सब सुठी गाल कर वन कर वन तो अगर इवी आईनी तरमीम इं है अगर अदालती सुधारा अगर ये थन पा तो एडो सारो ढोल वजाय एडी गाल नहीं हम यूँ नहीं छोड़ेंगे हम करा के दम लेंगे टे साल एक्सटेंशन अठ साल उम्र रिटायर के अपॉइंट कर शुरू इतना क्यों तो एक्सटेंशन दूँ था चीफ जस्टिस के खैर अना गाल खुटी को मुझे ख्याल है हुकूमत वालों के कन में अची चाहता सर तो छोड़ो ऐसा ऐसी तरमीम से ऐसे ठीक है एग्जैक्टली लेकिन बहरहाल अदालत ऐसू कन पर जो तह गाल पे कही तो शायद अड़ी का तरमीम भी है ये ना जो जिसे रिपोर्ट थी होंगी थी मौलाना साहब सभी रिपोर्ट कही है यार ठीक है सर्विसेज चीफ वाली तो आर्मी चीफ नेवल चीफ आई एयरफोर्स चीफ यानी अस सर्विसेज जो चीफ से कह तो उन एक्सटेंशन यानी मुद्दे में वाद आई उन हटाने का हटाने जो इख्तियार जो है हाँ प्राइम मिनिस्टर वट न रहो बल्कि एक पार्लियामानी कमेटी होंगी जैमें सैनेट कौमी असेंबली जहाँ हुकूमती अपोजिशन जहाँ मैंबर शामिल हों वो फैसलो कह तो चीफ जस्टिस चीफ आर्मी चीफ के एक्सटेंशन दिजे न दिजे या इनके अहदे त हटाए या न हटाए यानी प्राइम मिनिस्टर जो उतार इख्तियार खत्म अपॉइंट कर सके तो फर्स्ट टाइम अपॉइंट कंदा फर्स्ट टाइम अपॉइंटिंग अथॉरिटी जारे वही हों तो हाँ वह अदालती सुधारों के अलावा एक दुनिया है उन अलग बहस थी सके थी तो इन जो हासिल इन में छो कजे पो शायद इन कर अगर ये मुजवजा तजवीज़ अगर ये है या अगर पास थी तो शायद आर्मी चीफ
इहो महसूसु छा की माज़ी में थियो आहे त बीठे पेर नवाज़ शरीफ़ आर्मी चीफ खे फारिग बि करे छॾियो आहे ऐं बीठे पेर एक्सटेंशन्स बि ॾिनियूं वयूं आहिनि आर्मी चीफ़्स खे त ॿई मामला तकरारी रहिया आहिनि त शायदि असांजी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एज़ अ इंस्टीट्यूशन इहो फील कंदी हुजे त असीं हिकिड़े माण्हू जा छो मोहताज हुजूं असांखे असां इंस्टीट्यूशन आहियूं असांजे चीफ खे बि अगरि रिप्लेस कयो वञे या एक्सटेंड कयो वञे त हू हिकिड़ो इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट हिकिड़ो इंस्टीट्यूशन आहे इट्स शुड बी बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन नॉट एज अ इंडिविजुअल प्राइम मिनिस्टर थी सघे थो इहो सोच हुजे अगरि ईअं थिए पियो ऐं हिन खे एस्टेब्लिशमेंट जी हिन तरमीम खे बैकिंग केतिरी आहे मौलाना फज़ल रहमान साहिब जी तजवीज़ फ़िलहालु तजवीज़ हुननि जी आहे त ख़ैर अगरि किसे खे खुटायूं त अगरि अहिड़ी तरमीमूं आणीनि पिया अदालती सुधारनि जे हवाले सां त पोइ एतिरी बहस छाजी हुई करे वठो हिन में कंहिंखे एतिरा हिन में वकीलनि खे छो एतिराज़ हूंदो हिन में सिविल सोसाइटी पर अगरि अहिड़ी तरमीमूं कराइण लाइ तव्हां माण्हुनि जे घरनि में खड़ो पिया तव्हां अॼु वीचारी बलूचिस्तान जी मोहतरमा जेके सेनेटर आहिनि हिन जी बी एन पी मेंगल ग्रुप जी अख़्तर मेंगल जी पार्टी जी हू सफ़ा वीचारी रुहाणकी थी वई यानी हुन सां कोई बदतमीज़ी थी हूंदी न घरनि में घिड़ी करे कहिड़ी वाहियात किरी आहे यार कहिड़ी ऐं पोइ हुनखे चेयरमैन सेनेट चए पियो आप मुंहिंजे चैंबर में बता दे यार तव्हांजी कुलीग आहे यार अगरि हिन हिन मुल्क में जेको मोज़िज़ ऐवान आहे ऐं ही अपर हाउस आहे ऐवान बाला आहे सेनेट हुनजो अगरि हिकिड़ी सेनेटर जी चादर ऐं चारि दीवारी जो तक़दुस पामाल थिए थो ऐं उहो महफ़ूज़ न आहे त हिकिड़े आम माण्हू जी पोइ कहिड़ी इज़त महफ़ूज़ हूंदी जी हा जी हा जी हा होॾां मुल्तान मां खणी था वञो हेॾो बलूचिस्तान मां कॉलोनी था क़ुर्बान अली चाचर घोटकी मां जी चाचर साहिबु छा चवणु चाहींदा अस्सलाम वालेकुम सर मुंहिंजो काजी साहिब का सुवाल इहो आहे पंहिंजो असांजे डिस्ट्रिक्ट घोटकी में अॼु को टे चारि ॾींहं पहिरियों को एक्स एम पी ए ते जेको आहे शरपसंद हमिलो कयो उन खां पोइ जेको आहे पुलिस जेको आहे मिसाल डी आई जी जेको एस पी जे ख़िलाफ़ु हलियो वियो आहे घोटकी जे ऐं जेको न एस पी वरी एस एच ओ जे ख़िलाफ़ु हलियो वियो आहे मतिलबु पुलिस में जेको न थोरो मसइलो इहो हिनखे तव्हां कीअं था ॾिसो जेको आहे छा करणु खपे जी साईं ठीकु आहे जी अॼु घोटकी में वॾो तमाशो लॻो पियो आहे पुलिस में सखर रेंज में रादर डिस्ट्रिक्ट जी नंढी खां नंढी पोस्ट माना एस एच ओ वरी एस एच ओ खे बधरायो एस एस पी त हू मतिलबु हुनखे चई त ज़िमेवार ई आहे जेको हीउ मामिलो थियो आहे हुन अॼु वाका करणु शुरू कया हमरा एस एच ओ त बाबा हीउ एस एस पी हमिलो करायो आहे यस मुंहिंजी जान खे ख़तरो आहे ऐं मुंहिंजी जान खे ख़तरो आहे सीरियस एलिगेशन यस वेरी सीरियस एलिगेशन ऐं छा ईअं एस एच ओ छा बेबुनियाद ॻाल्हियूं पियो करे हुनजो भाउ बि हुनजो भाउ बि एस एच ओ जो भाउ बि एस एच ओ जो भाउ बि त हाणे हीअ हिकिड़ी सीरियस एलिगे अच्छा पोइ इते ॻाल्हि यानी उन ई एस एस पी छा नालो आहे भुकटी साहिब जो हफ़ीज़ रहमान हफ़ीज़ रहमान साहिब जो हिकिड़ो मातहत अफ़सर एस एच ओ हुन ते इल्ज़ाम हणे पियो त हीउ माना ॾोहारियुनि सां मिलियल आहे ऐं इल्ज़ाम हणे पियो यस उनखां पोइ हफ़ीज़ रहमान साहिब जो सीनियर अफ़सर डी आई जी जूनियर इल्ज़ाम हुयो वरी सीनियर जेको डी आई जी आहे पीनूमत शाह उहो आई जी खे ख़त लिखी इल्ज़ाम हणे पियो साॻे एस एस पी ते इंक्वायरी कराई वञे त हिनजी इंक्वायरी कराई वञे हीअ पोइ सरपरस्ती थिए पई पोइ अलफ पियो थिए पोइ ॿिए पियो थिए माना हुन बि हफ़ीज़ रहमान खे ई मतिलबु हुन ते इल्ज़ाम ऐं तमामु घणा सीरियस एलिगेशन्स आया आहिनि सीरियस सिचुएशन आहे ऐं घोटकी जंहिंजी उहो ई लॉ एंड ऑडर सिचुएशन ख़राबु आहे ऐं जिथे मतिलबु त पुलिस जेका आहे ही दिस शोस के पुलिस जे अंदरि केतिरी ओवर पोलिटिसाइज़ थियल आहे पुलिस ऐं पुलिस में जेको हिकिड़ी जेका हिकिड़ी हिकिड़ी इम्पोर्टेंट मतिलबु ज़ाहिर लॉ एंड ऑडर खे फ़िलहालु पुलिस ई हैंडल करे पई अगरि हुनजे अंदरि अहिड़ी हालति लॻी पई आहे हेठियो खां हेठियो अफ़सर बि जेको डिस्ट्रिक्ट जो जूनियर तरीन अफ़सर हूंदो आहे एस एच ओ हुन उहो बि इल्ज़ाम थो हणे जूनियर तरीन त न हूंदो आहे पर हा लेकिन ॻाल्हि इहा आहे त एस एच ओ पंहिंजे एस एस पी खे चए पियो हीउ ॾोहारियुनि सां मिलियल आहे उन एस एस पी जो सीनियर डी आई जी चए पियो त पोइ मतिलबु मुंहिंजो ख़्याल आहे हिन खां पोइ छा रहिजी वियो ऐं एस एस पी किथे पंहिंजो मौक़ुफ़ ॾियण लाइ तयारु कोन्हे असूली तौर ते हुनखे ॿाहिरि निकिरी हाणे ॻाल्हाइणु खपे छाकाणि त एतिरा सीरियस एलिगेशन्स आहिनि ऐं इहा ॻाल्हि हाणे हिन हफ़ीज़ रहमान लाइ कोन थो ॻाल्हायां ऐं हिकिड़ी जनरल ॻाल्हि कयां थो त इहा ॻाल्हि सभिनी ॿार बचे खे ख़बर आहे त हिन पासे अपर सिंध में लॉ एंड ऑडर सिचुएशन जेका आहे उहा पुलिस जी मिली भॻत खां सवाइ इहा थी नथी सघे
तव्हां ॾिसो सखर मां हू ॾुहारी भॼी वियो अॼु ताईं एस एस पी सखर मुंहुं मां हिकिड़ो लफ़्ज़ नथो कढे छा चए ए एस आई खे ॿधाए चए थो ए एस आई खे सची कराईंदो त हू कुझु ॿियो ॿुधाईंदो त हीअ जेको पुलिस जी गठजोड़ आहे हीअ अलार्मिंग ऐं एस एस पी लेवल ते इहो मतिलबु मुबैना तौर ते त इहा हिकिड़ी ॾाढी अलार्मिंग ॻाल्हि आहे त सीनियर अफसर था लिखनि हा कोन असां गुलाम हैदर कासकली नवाब शाह जी कासकली साहब छा चवणु चाहींदा साईं पहिरां पंहिंजा सर साहब तव्हांखे सलाम काइश सलाम वालेकुम साईं साहब इहे असां इहे टीवी ॾिसी ॾिसी इहो तरमीमी जो चकर इहे ॻाल्हियूं इहे पंध हिननि खे गवर्नमेंट खे त आवाम जे लाइ का बि का या न आहे त ग़रीब आवाम जेकी आहे उहा जेका पिसिजे पई ऐं महांगाई एतिरी आहे हद खां ज़्यादा आहे अॻे चकर बि तव्हां असां मौलाना साहब खे इहा गुज़ारिश कंदासीं साईं तव्हां हिन तरमीम ते जेको आहे नज़र कयो इहे माण्हू कते अॻिते बि हली करे इन सां कॾहिं बि मौलाना साहब खे साइड ते रखी वेंदा सम्झो न असांजो सियासत सां वास्तो न आहे पर आवाम जे लाइ कुझु न कुझु करनि जहिड़े टाइम 150 रुपया पेट्रोल हुयो त उन टाइम में महांगाई हुई हींअर असां 250 रुपया पेट्रोल वठो था उन टाइम में महांगाई कोन्हे ऐं हिते न को ऑफिसर घुमण जे लाइ तयारु आहे न को मिसाल जी ॻाल्हि आहे डी सी आहे या मिसाल जी ॻाल्हि एस डी एम साहबु आहे त आवाम जा कुझु तव्हां मसला त ॿुधो न सिर्फ़ु इहा हुकूमत हलंदी रहंदी हिननि जी हिननि खे सिर्फ़ु पीटीआई खे पोइ करिणो ई करिणो आहे त बाबा हिन जी हुकूमत हले पर इहे तरमीम अॻे न हुई एतिरा साल थी विया एतिरी हर्चे थी वई इहो नवाज़ अली खे कंहिं सामी न ठहंदो इहा ज़िंदगी गुज़री वेंदी असांजी 50 साल उमिरि थी विया साईं तव्हां हिन ते रोशनी विझो साईं महिरबानी महिरबानी ठीकु आहे साईं साईं जी ॻाल्हि त ख़ैर लंबी चौड़ी साईं ॻाल्हि कई लेकिन मुख़्तसर साईं जो मक़सदु इहो त भई आईनी तरमीम थिए थी नथी थिए त छा थो थिए ही बेसिकली चवनि हू त साईं चवनि था सॼी ॻाल्हि पी टी आई लाइ थिए पई साईं सॼी ॻाल्हि बि पी टी आई लाइ न आहे पर वन वे ऑर दी अदर उते बि आहे लेकिन ॿियो बि सबबु हुआ जुडिशरी खे थोरो कमज़ोर करण बि मक़सदु हो हा ॾिसूं अञा आहे ज़रूरु अञा ॾिसूं त थिए थो या नथो थिए लेकिन मूंखे ॿुधायो ख़ैर बाक़ी साईं ॻाल्हि कई त हिन ते रोशनी सही ॿी का विझण जी आहे कोन महांगाई आहे तव्हां सही था चओ हिन महिल हिन ॻाल्हि जी तरजीह त किथे बि कोन्हे माण्हू महांगाई में मरनि पिया अमन अमान जी सूरत हाल ख़राबु आहे ॿिया अनेक मसला आहिनि माण्हुनि सां बैड गवर्नेंस आहे करप्शन आहे बीमारियूं आहिनि हिन में हिननि खे आईनी तरमीम जी लॻी पई आहे ज़ाहिर माण्हू बेज़ार त थींदा पर साईं असीं छा कयूं हाणे जेसिताईं थी करे भई हिकिड़े पासे थिए त असीं बि ॿी ॻाल्हि छॾींदव माण्हू खे सुख जो साह वठणु ॾियनि माण्हुनि खे लेकिन ॾिसो अगरि हीअ तरमीम जीअं पाण डिसस कई त अगरि मौलाना फज़ल रहमान वारी हिकिड़ी डायल्यूटेड हिकिड़ी मिठी मिठी क़िस्म जी तरमीम थी वई त ज़ाहिर मुल्क में को बि रिएक्शन न ईंदो छा ईंदो लेकिन पोइ हिन सां ही जेके माण्हू हिनखे वधी करे हिन जी वकालत करे रहिया ऐं छा सूरत में थींदी सफ़ा हुकूमती धुरियूं इहे सफ़ा मतिलबु डायलॉग हुआ त ख़बरदार अॼु इरफान सिद्दीकी हू जेको आहे सेनेटर नवाज़ लीग वारो बसि मसला हल हो गया है अगरि इहे मसला है था अगरि सभु चीज़ो पियो हुकूमत को मान जाना था त पोइ हेॾी ढेक छाजे लाइ कयो हे रूबरू माण्हू जे वक़्तु ध्यानु कयो हरूबरू असां जहिड़ा माण्हू हरूबरू खफ़े में हुआ पर ॾिसो अञा लेट्स सी इट्स टू अर्ली के लेकिन अगरि मौलाना साहिब जो मौक़ुफ़ क्लियर अची वियो आहे जेको अची वियो आहे संदसि मसवदो अगरि नथो क़बूल थिए त बिस्मिल्लाह पाण वञी हुकूमत ॼाणे ऐं संदसि मसवदे में अगरि इहे शयूं आहिनि जेके पाण हींअर जेको ज़रियनि वटां हलनि थियूं पोइ हिन तरमीम सां फिकाई थींदी हुकूमत खे ॿियो कुझु कोन्ह थींदो बहितर आहे त न ई करे न ई कराइनि छो जो इन जे आड़ में वरी कुझु ॿियूं बि वरी तरमियूं थी थी वञनि हीअ त सुवाल अचे थो सभई आउट ऑफ नो वेयर काफ़ी कल्ह बि सुवाल थिया डिफरेंट प्रोग्राम ते काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट इहे सुवाल उतारण जी कोशिशि कया त आउट ऑफ नो वेयर मौलाना साहब इहा शिक छो खणी आया आहिनि त जेका एक्सटेंशन ऐं इहो जेको आहे डिस्कस त कोन पई थिए या हिकु त उहिदे तां हटाइण वारी का अहिड़ी तरमीम किथे डिस्कस न पई थिए मीडिया में मीडिया खे कहिड़ी ख़बर असांखे तव्हांखे कहिड़ी ख़बर सर किथे डिस्कस थियणी हूंदी त थी रही हूंदी पर ॾिसो हीउ जेको आहे मामिलो अगरि पाण ॾिसूं त अगरि आर्मी चीफ जी एक्सटेंशन या हटाइण जो इख़्तियार वज़ीर आज़म खां हटाए करे अगरि हीअ पार्लिमानी कमेटी खे ॾियण वारी तजवीज़ अगरि आहे आइनी तरमीम में अगरि आइनी तजवीज़ आहे त हाणे हिन में वरी क्लैरिटी आऊं अञा बि क्लियर न आहियां त छा इहो मौलाना फज़ल रहमान साहब पारां सेल्फ इनिशिएटिव हूंदो
हूँ तो सेल्फ इनिशिएटिव आ सोचा कें चवण से होंद लेकिन ये इस्टैब्लिशमेंट के वणंदी गाल या न वणंदी बई रुख है ये बई रुख है यस मिसाल तहड़ो अगुणो वजीर आजम नवाज शरीफ वो हमेशा गड बी रहे तो एक्सटेंशन अच्छा हम बो जेल में वेठो आको अगर केदी मल फेयर इलेक्शन मुल्क में थी अगर केदी मल फेयर इलेक्शन मुल्क में थी तो अडियाला वो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी जो चांसलर भरे न थे पर प्राइम मिनिस्टर तो थियण कहीं रोके न सको तो हि भी अची मत चे तो इनके हटाए छो कढ़ी छो कर हीं कर छो तो उन सेफ्टी नेट वॉल क्रिएट कई पी वे तो वजीर आजमन की हि सवाबदी मुख्य याद है मुशरफ साहब जैसे टेक ओवर कर तो काफ़ी दिन तीन इंटरव्यू दींदा चंदा नवाज शरीफ ही छा समझो पे पाँच पान के आर्मी चीफ है या कोई ये मामूली शे है जी जैसे मेल वे तो चो इनके भी हटाए छो उनका पे उनके हटाए हुए ना जहांगीर करामत के जहांगीर करामत तो मुशरफ साहब ये पा चवन मुख्य भी एक इंटरव्यू में चई तो हम मतलब आर्मी चीफ कोई मामूली अहदा है जिसको जब मर्जी आएगा वजीर आजम नवाज शरीफ का चई पे पेरों बर्दाश्त थे बर्दाश्त न थे हाँ सिस्टम यही तो गाल थी ना उन मल भी टेक ओवर थे जस्टिफिकेशन या दिनी वी तो थी सके तो एस्टैब्लिशमेंट जो जहन में हो भाई मानू की सवाबदी तो छो छे दिजे आई घना मानू हूँ उन वही लेकिन बई पासा एक मानू के राजी कर सवलो हों पर छह मानून के राजी कर आसान हों छह में चार के उन्होंने स्टेचर नंढो हों अच्छा वो वैसे गाल है न इंस्टिट्यूशनल वाइज जैसे अगर को पर्सनल लेवल से जी बाजा साहब ए इमरान खान साहब की जो करेक्शन हो इमरान खान साहब पाँच नोट पेड से एक्सटेंशन दी छी सही गाल भी तो समझे ना इंस्टिट्यूशन भी सही है तो माना जो आर्मी चीफ अगर पर्सनल कैपेसिटी में प्राइम मिनिस्टर का एक्सटेंशन वही वही तो रहे कंटिन्यूशन में हलो रहे इंस्टिट्यूशन बेहतर है इंस्टिट्यूशन बेहतर है तो मतलब ये मू पा में ठही वनजैक्टली ही जो डॉक्ट्रीन ऑफ कंटिन्यूटी हुई नजरिया तसलसल उनमें इमरान खान बाजवा फैज हमीद इन टिन्ही पा में एग्रीमेंट थियल हो तो बाजवा इमरान खान के आणींद इमरान खान उनके एक्सटेंशन दी जो डिनी उन बाजवा रिटायर थो फैज हमीद फैज हमीद वरी इमरान खान के खटराइ वरी इमरान खान फैज हमीद के एक्सटेंशन दी ये नानी वेड़ो थी तो अगर उन हवाले से सोच हो तो सही था चो तो भाई तो इंस्टिट्यूशन लेकिन इंस्टिट्यूशन में अस वी रबल स्टैम्प किस्म जो फैसला न थी इंस्टिट्यूशन तीन पार्लियामेंट बिना पढ़े हिं तरमीमी बिल से वोट कंदा तो सब पढ़ी इंदा जा जी हाँ मोहम्मद अली चारण दादूमा जी चारण साहब चाचू चाहिंदा सेनेटर जो सो उन्हें कौमी असेंबली मेंबर के यर्गमाल बनाया उन्होंने बधी उन्होंने ऑफर मिली वा पैसा दियण वा वोट दियो असेंगे ये कम करो तो इमरान गाल इमरान खान की गाल सची है तो आम वोटर का कड़ो हालत होंगी उनके जमींदार कड़ो यर्गमाल कहना हों उन सियासतदान कानून वा पुलिस वा उनके केतो यर्गमाल कहना हों वोट दियण ला मसलो इन साबित थे तो माना दांगलू थियन थी जो एडे वे मूल सेनेटर से भी यहाँ हालत है तो उनके खंबे खयू था वन के पैसा था अजन के कहीं था अजन तो उन्हें यह जमूरियत तो ना जगह साहब जमूरियत है नालो जमूरियत माना हर मानू के हक हो जमूरियत ना ये तो ढा ही है माना तो उन्हें को शहन शहत कर नवाज शरीफ के लागी तो ताकोम वजीर आजम कर शहबाज शरीफ के या बिलावल के वह शहन शहत कर पर कानून सुठो कर सऊदी आंग जो जो चोरी कर बह कटन जो खून कर ओी मेल गोलिया ही वे शायद पेश थन भला घट में घट इो तो कम थे भला एक कम थे न मू आवाम वेचारो भुख पे तो मरे वेचारो जो वेले रोटी खाण हराम वो वेचारो बेरोजगारी एडी तंग थी पाया रोज खुदकशू रोज छोकरा वेचारा बेचारा उ पा खुदकशू पे मरन पे था मगर इो है तो इन सियासतदान पेट भरज ही को रुगो पांजन पैस पेट भरण ला पेट पैसन ला कम ला बंगला ठाण ला कब्र में खड़ी वा ये पैसा सब इतने पई होंगी सब दौलत रुगो खफन भी नी थे अला कर रुगो अस इो ही चूं तो जो जमूरियत छो था कन वोट छो था कन बस फौजी एक शहन शाद कर छन वह पंज साल हे वे पंज साल हे वे
पर कदमल कानून तो सुधे इस्लामी कानून तो हो भला जो चोरी तो करे उनकी बाह कटी वे जो खून तो करे उनके सजा मिले दह दह साल दह खून कर वही कोर्ट में छुट्टी था वन वो जो आजाद थे घुम कड़ो यो कानून आ मानू के तहफुज घर में ना है व्यापारी वेचारो फुरू कर चरण साहब जी गाल ची तो सेनेटर्स से इन जो कुछ थे पो एम एन ए से खातून सेनेटर सब थी छांगा मांगा जहाँ भी थिया जैसे बेनजीर साहब की हुकूमत के हटाने के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव थो नाकाम लेकिन बहरहाल छांगा मांगा जहाँ ये मिसाल दिना वन था तो उतने रखो वो उन्होंने एम एन एस के लिखा वो जो तुम चो पे बतौर पाकिस्तान के मानू के वोटर के मुख्य शर्म तो अचे मुख्य शर्म तो अचे और ना कें अचान खे मुख्य शर्म तो अचे तो दिस इज मतलब हि तो एक तेखे रास्पे से उनकी लालच से तक पे इशारा कह हो तो बबा हाजिर आया घर में घिड़ी जबरदस्ती औरतन से बेहयाई बदतमीजी कर हाँ अस वोट वूँ था जमहूरियत जो हुसन आए तो यो तो मतलब ये तो बदसूरती है जमहूरियत की ये जमहूरियत जो हुसन ना है जो थे तो नॉन पॉलिटिकल जैन कुरैशी की वाइफ तो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल उनके खाने पर पॉलिटिशियन की जाल है तो बस पॉलिटिशियन की नूह यस जुल्म मतलब व्हाट आर यू डूइंग तो छा है एग्जैक्टली शर्माई है ना एग्जैक्टली एग्जैक्टली अच्छा साईं जगह गाल बार बार चन था से बाह कटे छियो ही करे छियो इंसाफ न थो थे ही तो थे ठीक गाल है ताजी तो इंसाफ न थो थे पर सही इन लगो सऊदी अरब तो कोन तो थे तहां जेके जमहूरी मुल्क हैं जेके जिथे मतलब कानून तो होते पासे यस अलग किथे लंदन में हु मारे पांजी धी के माँ पी हलिया वया हिते अची इस्लामाबाद में अलग जेल में यस पाकिस्तान में जेल में हिता खणी आथन वरी लंदन में यस सजा दियारन लाए तो हुन पी जको आए सिखत पे दे धी के तो बेचारी के कुछ उंधो धक लगो बेचारी मरी वई छोकरी इंग्लैंड पुलिस लंदन पुलिस छड्यो कोन उनके हिता पाकिस्तान में खणी वया दस उते हां सजाऊ इंदन तो कानून जी मतलब जैसे तुम कानून से अमल थे था चरण साहब तो दुनिया खोड़ मुल्क सऊदी अरब है पर बया मुल्क तालिब हुसैन गोपाल नौशर फरोजमा जी गोपाल साहब चाहे चाहिए टीवी जो आवाज़ बंद करे गाला जो ठीक है शायद कॉल ड्रॉप ठीक है अच्छा अगत हलूँ अज भी एहतजाज हलन था पिया जो पंजाब बारे वाक्य थो पीटीआई चवे थी असा मथा इल्ज़ाम न हणो त पा में सेंडलिंग था कियो पंजाब पुलिस जो वो 250 मान के पक्तो हाँ कड़ा मूँ इन का खबर नो ना जैसे यो वे तो भाई को भी न्याणी से उतने कें रेप न थो कोई स्टूडेंट से न थो लिफ थो ये फेक न्यूज आते बहस ही नो कें ओके थी सके तो इंसान मतलब कुछ नो चई सकान पर ही जो तुम स्टूडेंट्स के कुटो पाया हि जो उनके तुम एडो बेदर्दी से कुचलो पाया यो भी फेक न्यूज है जा उन पासे पासे रखूँ था पर ही जो कयो पाया द वे पुलिस एंड पंजाब गवर्नमेंट इज हैंडलिंग दिस इशू यो फेक है जा हाँ खबरू हलन थी तो 250 मानू पिंडी में गिरफ्तार थे वो मुजाहरों कर निकता वो मानू केर मानू केर मानू घने भागे तो स्टूडेंट्स हूँ ना भागे स्टूडेंट्स हूँ अच्छा ये फेक है स्टूडेंट ना हुआ अलग अलग मानू हुआ वा हुआ मानू स्टूडेंट भी मानू हूँ हर शे में पीटीआई गोले अचो वो पीटीआई रे भी चो तो बाबा पुलिस मिस हैंडल पी करे तो तहां इन सा केड़ी नेकनामी कमायो पिया ऐसो वो यूथ जेका है सदे मुल्क जी वो अडियाला वाले दे पासो कई बिठी है ता उनके वेतर ततायो था वेतर हुन सा जको ये लठियूं हणी गिरफ्तारियों करे करण दियो मुजाहिरो यार केती देर कदा ब कलाक टे कलाक हल्या विंदा केड़ो आसमान टूटी पंदो उं असां वटि ट्रैफिक फर्स्ट क्लास हले थो भला ॿ कलाक ख़राब थी वेंदी ट्रैफिक थोरो या उन्हनि सां ॻाल्हाए उनखे हिकिड़े पासे रोड जे हिकिड़े पासे एहतजाज करणु ॾियो पंजाब असेंबली जे साम्हूं अगरि लाहौर में स्टूडेंट्स निकिरी पिया हलो भला फेक न्यूज़ जे करे निकिरी आया जी हा मञो सा तव्हांजो ॿारु अगरि घर में ग़लती करे थो त उनखे छा लठियनि सां कुटियो था छा मरियम साहिबु चए थी ऐं मां आहियां ऐं मां जेका कुटींदी छा ईअं कमाल आहे अरे टोटल मिसहैंडलिंग टोटल मिसहैंडलिंग अच्छा यो एहतजाज हलन था पाया सुबह पीटीआई भी एहतजाज ले छी हाँ पीटीआई दिसूँ तो हाँ एहतजाज ये
कराची में साढ़ा 300 मू बीठा हों वो एतजाज हों या डी चौक से वही डी चौक से तो वही गंडापुर होदा तो खुद पीटीआई के अंदर जो डफेर यस यस लीडरलेस पार्टी थी वही यस उनमें जो डफेर है उनमें मानन के हेठ जो उनकी थर्ड टीयर सेकेंड टीयर जो है कार्डर्स पीटीआई के उनके इन्हें सभी का शिकायतू थन पी तो को नानी वेड़ो कर वेठा हो इमरान के छायण ला सीरियस एफर्ट न पाया कर यो इल्ज़ाम हयो हो उनकी भेणन हाँ वो इल्ज़ाम हेठ ती अची वो है पीटीआई के अंदर तो सेकेंड टीयर ए थर्ड टीयर तो भाई तेको है मड़ी ये हल्को फुल्को तमाशो कर पाया जारिन की बैरिस्टर गौहर ये जो सब आन खुद गंडापुर से पीटीआई में आए इशूज़ आन वो हमाद जो है वो अना रूपोश है इन महल वो चबो है तो जैसे तहां डफेर हुए तो जेड़े में वनजे तो मानू पांजा इख्तलाफ अंदरूनी विसारे विड़ी पवंदा लेकिन ऐसू सुभाने शो के तो एतरो खास कंदा मुजाहरा उजाहरा कंदा ऐसू इस्लामाबाद में केड़ो शो पुटअप था कन अच्छा मुजाहरा अगर जे सुभाने पर एकड़ी गाल भी तो क्लियर नथी थे ना तो ही अमेंडमेंट्स वारो चक्कर चाहे मुजाहरा प्रोटेस्ट ना अमेंडमेंट्स कोरिलेट हलन थी ना पीटीआई जो अगर अमेंडमेंट्स में पीटीआई जी अज शीर रहमान साहब भी क्लेम कन थी भाई पीटीआई जो है राजी थी वी तो मौलाना फजल रहमान साहब अगर खड़ी वो प्रपोजल हाँ मौलाना साहब अज मुलाकात है पीटीआई मुलाकात अगर मौलाना साहब उन्होंने चवन तो बाबा हि अड़ो माशूमड़ो किस्म की तरमीम थे पी तो एक बेंच ठाकूँ था एक ही क्यों था एकड़ो ही क्यों था तो मुझे ख्याल है तो पीटीआई अगर उनके लिए हिमायत में वोट न भी ींदी हिमायत वोट न ींदी तो लोटा ठाना पवंदा लोटा ठाना पवंदा वो हिमायत में वोट ींदी अगर पीटीआई चाहे बिल्कुल ही बेजर हो वही गाल बाबा अच्छा डील थी वही डील थी वही अच्छा अगर नथा दियन वोट तो मौलाना फजल रहमान चवन तो बाबा हाँ हि आऊँ तो तहाँ से सहकार कर हलां पो तीन कर लेकिन इन बेजर किस्म की तरमीम से को फर्क को पे वो नमझा इन से फर्क पव अड़ी अगर सिर्फ यह बेंच ठाई छो 200 केस कुल कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन्स सुप्रीम कोर्ट में अगर टे जज लागी तो वेठा तो भाई तो बटे महीने में निपटाए छींदा वादा हूँ नव रुकनी बेंच था चवन नव रुकनी बेंच था चवन तो हिंसर कुल तादाद जजन की 17 है 17 है इनमें नौ हलिया तो बाकी सजा 21,000 जो केसिस 22,000 पेंडिंग वो छह जज सत जज बुधंदा ही नौ वाह वाह ये कौन थी दो जाहिर जजेस जो अंक वधाईंदा हां पुजारा पूरी वो तो 50-50 लाख रुपए चवंदा एक सुप्रीम कोर्ट जज जी कॉस्ट छे थी तकरीबन 22-26 ताई तो सैलरी हली दी वने पो वरी ब्याल पर्क्स एंड पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हो जाता तो 50 लाख रुपए में ता सही है करे वड मुल्क जी वही हालत है पाण वाले भाई जाम पैसो आ जाम पैसो आ हां जाम पैसो आ मिनी बजट अचे तो न पियो चंदा टैक्सेस अचंदा पिया उन में बदान ये थी दा सब कल एडो सारो नैरेटिव हलायो वे त फॉरेन मिनिस्टर सा इसाक डार साहब उठी वनी बैठो आ क्रिकेट डिप्लोमेसी ते गालियों थी हुए जय शंकर सा हां जय शंकर सा असा जो इसाक डार साहब उठी वनी मिलियो आ फॉरेन मिनिस्टर इंडिया सा पर आज फॉरेन इंडियन फॉरेन ऑफिस जो बयान जियो तो भाई तो कुछ भी नहीं का गाल न थी इसो ये डिप्लोमेसी एडो दिलचस्प तमाशो आ मुखे याद है नवाज शरीफ साहब दावत जी सद ते वाजपेयी आयो हो आणो को वाजपेयी चोंदो वाजपेयी यस को वाजपेयी पर वो प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी आयो हो लाहौर यात्रा में तो मशहूर थी जेते पो जमात इत्तफाक सा आऊं बोते व्यस यस रस्ते में जमात इस्लामी यारन गोड़ खैर वनी पोतासी मुख्तसर गाल कयूं था उते तकरीर जका वाजपेयी कई उनमें यूं गाल कई सो कई इलाही पुरानी गाल थी पर उनमें यो भी चई प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ गड वेठो चे कश्मीर के मुद्दे समेत तमाम मसाइल पे बातचीत होनी चाहिए यस तो मुझे छिरक निकली जी मुझे वन इंडिया एडो एडो यू टर्न वरतो है हाँ कश्मीर ते के मुद्दों बने तो कश्मीर से ाल मुझे वाह वाह सुठी गाल थी उत निकतासी हू खैर वाजपेयी उतना मोकलाए पो वही बॉर्डर पार कर लाहौर का उत दिल्ली पोतो उन पास उत बयान दिनी जी मैंने कहा है कि कश्मीर में जो आतंकवाद हो रहा है उस पे बात हो जी हर पाकिस्तान में अच्छी चे पे कश्मीर में बात होगी उतरे चे पे कश्मीर में जो दहशतगर्दी हो रही है उस पे बात होगी
ही डिप्लोमेसी आ तो तहां पांजी कंजम्पशन ला छाता चो बेन के बुधायण ला छाता चो तो जयशंकर भी हिते अची असावरन टिपा लेना तो वाला अच्छा क्रिकेट डिप्लोमेसी थे पई ही पे थे ओते नहीं चबे नथिंग डूइंग कुछ आ ही कोन जाहिर है वो अच्छा बिन हने कल छा चे तो माना हने अमेंडमेंट का पो इवन इफ दे मेक इट थ्रू अगर ही गवर्नमेंट जो है वह थ्रू कराए थी वे ये सब अमेंडमेंट्स पहले जी मौलाना फजल रहमान जो मुसविदो सामू जो अचे तो पो तो जवाब छो बचे हुकूमत वो तो हुकूमत जो पूरा चे पी तो जैसे मंसूर अली शाह साहब इन तो असि हुकूमत चैलेंज थो ये सब कुछ बस मैं ये सब गाल तबसरा रोके वेठो आया तो भले गाल तरमीम है बिली जो बाहर निकली अचे क्लियरली निकली अचे सफा वाजे थी निकली अचे हाँ पा कहीं मुख्तलिफ पहलू आने उन पा गाली मतलब थी गुजरे ना वो भयानक जो तरमीम है वो जो कारो कानून पास थियण वन पे वो थे तो या माशूमड़ी किस्म की तरमीम थे थी लेट्स सी के थे तो वो तो बुलडोज थी अगर थी तो अगर हेडा मतलब जेका जेका पेरे वाला मुसवदो हो वो तो बुलडोज माना लोटा ठांदा ना मौलाना भी कोशिश तो दिसो थे मौलाना भी गट न हुंदो ना उनमें तो मौलाना गट न हुंदा तो यार चवंदा पया हो पो तो माना एकडी हां तो मतलब पो सवाया लोटा ठाणा पंदा सवाया लोटा ठाणा पंदा औ पो मसला भी सवाया थी विंदा वरी वो बाद में वो पो सब आहे तो मुखे ये लगे पयो दिसो आज पाणा हियु 17 अक्टूबर थे 17 अक्टूबर थे 4 नवंबर यानी आज का 22 दिन का पो अमेरिका में 20 में ना 19 दिन का पो अमेरिका में इलेक्शंस है वो डिसाइड होता ही उनका पहली जा हकड़ा आहन जके मुख्तलिफ एक्सपेक्टेड छकंद ओष्टो ओष्टो उनजी वधी वई आ वधी वो ग्राफ ट्रंप जो वरी वधी हुन जो कमला हैरिस जो हेठ किरी पेरी घटजी वाड़ी माई अलै छापी गले इंटर उहो सॉरी चवण न कबे हां सॉरी वाड़ो न चवण सो त हर गाली आए त अगर ट्रंप अचे पियो तो जहर पाकिस्तान में जेके ब इख्तियार रखंदर धुरियो आहन हु पो हुन हिसाब सा शयूं अगते वधाइंदियूं हिकड़ी नया चवन था पाया तो ॿी ॻाल्हि रखी छॾियो त अमेरिका में हिकिड़ी कांग्रेस में हिकिड़ो नयो रेज़ोल्यूशन बि अचे थो पियो त ॻाल्हियूं हलंदी पियूं जंहिंमें सेंक्शन्स जूं ॻाल्हियूं कयूं थियूं वञनि पाकिस्तान जी कुझु लीडरशिप ते छो हाणे छा ख़बर न आहे छा आहे उहो छा न आहे उहा अच्छा पोइ अची वञे साम्हूं त मूंखे ख़बर न आहे ॻाल्हि जी त मूं चयो पियो त अगरि ट्रंप अचे पियो त हुन लाइ पाकिस्तान हिकिड़े इस्लामाबाद वॉशिंगटन खे ॾिसे पियो ॾिसी रहियो हूंदो ऐं उन हिसाब सां हिते तयारियूं हिकिड़ो प्लान ए हिकिड़ी फाइल उहा ठहियलु हूंदी अगरि ट्रंप न पियो अचे त हिकिड़ी ॿी फाइल ठहियलु हूंदी पर ॿिन्ही ते अमल करण लाइ होमवर्क हींअर खां ई थी रहियो हूंदो सो अगरि होमवर्क हिते हींअर खां ई थी रहियो हूंदो त पोइ किथे न किथे अडियाला वारे सां बि मामलात कुझु हल्का कया विया हूंदा सुभाणे वारो पोइ पाण इवेंट ॾिसी वठूं था जेको पीटीआई प्रोटेस्ट कॉल ॾिनी आहे हीअ तरमीमूं बि पाण ॾिसी वठूं था तरमीमूं अगरि हिकिड़े हद खां वधीक ड्रकनियन थियूं तमामु घणी जुडिशरी खे वीक थियण वारी थियूं ऐं हिन ते रिएक्शन पाकिस्तान में क्रिएट थियो त ख़ुदि हिन जो बि इम्पैक्ट हुते वेंदो सो आई थिंक के केयरफुली वॉच थी रहियो हूंदो त हींअर हीअ 4 नवंबर ते छा रिज़ल्ट अचण में हींअर ताईं ग्राफ जेको आहे ट्रंप जो मथे आहे अच्छा पर वॾी खां वॾी जेका मसलो हुयो जेको माना चइजे त फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हिकिड़ी अलॻि कोर्ट सुप्रा कोर्ट जेका वॾी वॾो खां वॾो मसलो त माना सेटल थी वियो न उहो त कॉन्स्टिट्यूशन सेटल थी वियो आहे मौलाना फज़ल रहमान जी हद ताईं नही न बिलावल साहिब चयो माना पीपल्स पार्टी बि चवे थी त असीं पोइ हटी आहियूं हा पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी पोइ हटी पीपल्स पार्टी मञे थी पई त असां हिन ॻाल्हि ते पोइ हू छा थियो मीसा खे जमहूरियत में जो ज़िक्र हो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क़ाइदे आज़म बि चयो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट लाइ पोइ हाणे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट न ठहंदो पोइ कीअं थियो बेंच बेंच चए थी पई अच्छा त मतलबु ॻाल्हि साॻी आहे ॻाल्हि साॻी आहे ठीकु आहे बसि पोइ माना त तव्हां पंहिंजे ते ध्यानु न ॾियो आहे त ईअं न ॿियो छा चयो माना पोइ हिन में हिकिड़ी ॻाल्हि त कंफर्म सम्झिजे न त जेको काज़ी फ़ाइज़ साहिब लाइ चयो वञे पियो त कोई रिटायर्ड जज ज़रा जॾहिं बेंच आहे त पोइ हाणे रिटायर्ड जज बि न आहे न साईं पोइ त को सवाल ई न आहे ऐं अगरि हुन बेंच में बि जेके मुक़ररियूं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कंदी त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जेको आहे उहो त ठीकु आहे सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जज तव्हां अपॉइंट करे सघो था पर इहो को अञा ताईं मिसाल न आहे त सुप्रीम कोर्ट जे हिकिड़े अॻूणे चीफ जस्टिस खे रिटायर थियण खां पोइ एज़ अ जज अपॉइंट कयो वञे
अञा ताईं मूंखे त तव्हां ॿुधायो को तारीख़ में आहे छा अहिड़ो को हवालो? रिटायर्ड जज त रखनि था, एडहॉक जजिस जंहिंखे चइबो आहे, जूनियर तरीन थी वेंदा आहिनि। हींअर ॿ रखिया अथनि न जज साहिबान आहिनि न जेके तारिक मसूद, सरदार तारिक मसूद ऐं जस्टिस मिया मज़हर आलम मिया खे। ठीकु आहे, त इहे ॿई रिटायर्ड थियल आहिनि, हिनखे एडहॉक ते रखियो वियो आहे, पर उहे को सीनियर मोस्ट त नथा थी सघनि। त को बि चीफ जस्टिस अॼु ताईं मिसाल न आहे पाकिस्तान जी तारीख़ में त हू रिटायर थियण खां पोइ वरी रीअपॉइंट थियो हुजे एज़ एडहॉक जज इन द सुप्रीम कोर्ट। कंहिं हुन में रखिया वञनि था कंहिं कमेटी लाइ, को प्रोब कमेटी लाइ, कंहिंजे लाइ करे करे अची वञनि था या आया हूंदा, पर सुप्रीम कोर्ट में नथा। सो काज़ी साहिब जी जेका तव्हां ॻाल्हि कयो पिया, अगरि तरमीम न पई थिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट लाइ, अगरि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट न पई ठहे, त पोइ काई साहिब जो त पोइ पाण 24 तारीख़ ते अलविदाई थींदो मुंहिंजे ख़्याल। बसि हिकिड़ी शइ हाणे रुगो बसि कंफर्म नथी थिए त माना जेका बार बार हाणे फ़िलहाल ताईं ख़बरूं इहे ई आहिनि त चीफ जस्टिस जेके आहिनि उहे कंटिन्यू मतिलबु उन पुराणे तरीक़े सां मौलाना फज़ल रहमान, पर अञा ताईं ज़ाहिर नोटिफिकेशन नथी आहे ईंदड़ चीफ जस्टिस जी। न उहो त तव्हांजो वज़ीर क़ानून चए थो न त आख़िरी तारीख़ ताईं इंतज़ारु कंदसि, 23 तारीख़ ते आउं नोटिफिकेशन कढंदसि, भले इंतज़ारु करे, लेकिन हुकूमत लाइ वॾी फिकाई थींदी, वॾी फिकाई थींदी अगरि हीअ कॉन्स्टिट्यू पोएं भेरे ई न कराए सघिया आहिनि तरमीम, हींअर वरी अगरि न कराए सघिया त वॾी हिकिड़ी थींदी। लेकिन बदलसि पॉलिटिक्स आहे यार, पॉलिटिक्स में अलाए छा छा थिए थो, पोइ माण्हुनि खे कुझु अरसे खां पोइ ॻाल्हियूं विसरी वञनि थियूं। अगरि घणा माण्हू इहो क्लेम कनि था पिया त माना जीअं कल्ह मोहसिन बेग साहिबु काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट जे क़रीब सम्झा वञनि था पिया, ऐं इमरान ख़ान जे दौर में बि हुया, उहे हिकिड़े प्रोग्राम वेठा, उहे चवनि था त गवर्नमेंट जे अंदरि जेके आहिनि, पार्टीज़ जे अंदरि जेके आहिनि, उहे पंहिंजा ॾाढा मुफ़ादात आहिनि टुवर्ड्स दिस आईनी अमेंडमेंट, तॾहिं मसाला था थियनि। हीअ त चयो न पी टी आई वारे अॼु गौहर साहब, गौहर अयूब गौहर जेको गौहर ख़ान, त हिन जा हुकूमत जा पंहिंजा 7 MNAs कोन ॾींदा वोट। अच्छा, बिलावल साहब खे ख़बर आई आहे। अच्छा, हुन में बिलावल साहब खे ख़बर आहे त इन जो मतिलबु इहो थियो त पीपल्स पार्टी जा, पीपल्स पार्टी जा कहिड़ा MNA जेके वोट न ॾींदा ख़बर न आहे, नून लीग जा सम्झो अची सघनि, नून लीग जा मूंखे सम्झ अचनि था, रज़ा रबानी त कोन्हे न सेनेटर, न आहे सेनेट में। पीपल्स पार्टी मां नथो सम्झां त को इहो हिमत कंदो जो वोट न ॾे, लेकिन नवाज़ लीग मां ॿ त साफ़ सुथरा बीठा आहिनि, जे चवंदासीं कोन ॾींदासीं, बाक़ी 5 कहिड़ा आहिनि? बैरिस्टर गौर में ॻाल्हि करे छॾी हूंदी, ज़रूरी थोरी आहे। ज़ाहिरा ठीकु आहे, वरी महिरबानी साहब, नाज़ीन अॼु प्रोग्राम जो पूरो थियो, वरी ॿुधाईंदड़ प्रोग्राम में दुआ में आहे।